नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे वाह वाह तो बोलो यार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देता हूँ। और आज हम खेलेंगे डियर वाइल्ड 3D। ये तो कुछ मैच न हुआ, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो यार आप लोगों का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज हम लोग खेलने वाले हैं वाइल्ड डियर 3D या फिर डियर वाइल्ड 3D जो भी है। और ये वीडियो में बेसिकली हमें एनिमल्स को हंट करना रहता है, ना कि बस डियर को, लेकिन हाथी घोड़ा जो भी हो सबको हमें हंट करना रहता है और बस उनसे पैसे कमाने रहते हैं। तो चलो यार हम बिना किसी देरी के बढ़ते हैं गेम में। तो यहाँ पे हम गेम में वैसे भी आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए, और हम सीधा चलते हैं प्ले के ऑप्शन में। चलो, और यहाँ पे पहला है फॉरेस्ट, दूसरा है स्नो और डेजर्ट जो कि लॉक हुए, लेकिन फॉरेस्ट है जो कि अनलॉक है। और चलो हम लोग फॉरेस्ट को करके सिलेक्ट करते हैं। ओके सॉरी, और हम लोग चैलेंजिंग तो लॉक है और कमिंग सून तो मतलब बाद में आएगा। और इजी मोड हम स्टार्ट कर देते हैं, और हमने यहाँ पे इजी मोड भी स्टार्ट कर दिया है। और मैंने फर्स्ट और सेकंड मोड तो यार कर दिया था, उतना कुछ खास भी नहीं था। तो चलो हम सीधा बढ़ते थर्ड लेवल की ओर। तो थर्ड लेवल पे हमें डियर को शायद मारना है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे गन का भी ऑप्शन दिया है, वाओ। लेकिन हमें बाकी सारे गन्स को बाय करना होगा जो कि हमारे औकात के बाहर है। तो हमारे पास है ये गन वेपन सिलेक्शन जो भी है, इसके गन का नाम भी नहीं दिख रहा है यार, उसी गन से हम चलो यार मैच को स्टार्ट करते हैं सिलेक्ट करके। और यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो चलो यार, ऑल राइट, हम यहाँ पे आ चुके हैं। हंट डाउन टू डियर्स, मतलब डियर डैट आर स्विंग ऑन योर मैप विद इन 480 सेकंड। ओके, टाइम भी दिया है हमें, 480 सेकंड्स के अंदर दोनों डियर को मारना पड़ेगा। तो चलो यार हम प्ले दबाते हैं। और यहाँ पे डियर कहाँ पे, ओके पहला डियर तो यहाँ पे दिख रहा है, और इसे स्कोपिंग करना है इससे, और इसको हेडशॉट देंगे। ओके गाइस, ये तो मर चुका है। दूसरा डियर किधर है, दूसरा डियर क्या हमारे पीछे साइड है? नहीं यार, इधर तो नहीं है। कहाँ पे है भाई दूसरा डियर? भाई मिल जा, कहाँ पे है? टाइम भी खत्म होने वाला है बस, मतलब खैर यार टाइम तो बहुत ज़्यादा है, बस दूसरा डियर मिल नहीं रहा यार। अरे भाई सल्लू भाई आए, बाहर तो आओ सलमान खान। ओके ये रहा डियर, इसको भी हम हेडशॉट देंगे। ऊपर चले जाए यार, रुक जा थोड़ा, ये करता हूँ। ओके गाइस, इसको हेडशॉट देंगे, थोड़ा आगे आ जा। ये ओ भाई क्या ही खतरनाक एनिमेशन दिख रहा है यार। गाइस देखो भाई, बुलेट क्या ही खतरनाक दिख रही है, और ये पे सीधा हेडशॉट लग चुका है इस डियर को, और ये मर चुका है। और हमारा नाइस जॉब, नाउ गो टू द नेक्स्ट मिशन। ओके अगला मिशन, यहाँ पे ये मिशन तो हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं अगले मिशन की ओर। और यहाँ पे बेकार में ऐड आया, खैर हम इसको जल्दी से कट कर देते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट मिशन यहाँ पे ही दिख रहा है, तो चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। और अभी हमें दो हाथियों को मारना है, वो भी 420 सेकंड में, मतलब शायद 5 मिनट। ओके 5 मिनट में हमें दो हाथियों को मारना है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे पहला हाथी तो इधर सामने दिख रहा है, इसको हेडशॉट मार दिया है। ओके एनिमेशन पहले वाले हाथी को तो कुछ खास नहीं दिख रहा, लेकिन ओके भाई इधर दो एलिफेंट है यार, किसको मारे? और उधर एक और भी एलिफेंट है यार, इधर तीन एलिफेंट खड़े। तो चलो यार हम इस एलिफेंट को मारते हेडशॉट। और भाई इसका एनिमेशन कतई जहर यार, क्या ही खतरनाक बुलेट निकलते हुए दिख रहा है। और इसको भी हेडशॉट लगा यार, मैं हेडशॉट के नीचे किसी से बात भी नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट के लिए बना हूँ। नाइस जॉब। और अब हम बढ़ते फिर से अगले मिशन की ओर। और अभी हम यार हर मिशन में ऐड आना जरूरी होता है क्या? खैर हम जल्दी से बढ़ते हैं अगले मिशन में। और इस बार हमें 3 बोर को मारना है, बोर मतलब शायद जंगली सुअर, वो भी 360 सेकंड्स के अंदर जंगली सुअरों को मारना है। और पहला जंगली सुअर तो ये रहा, जैसे कि आप देख सकते हो इसको और जूम करके। और यहाँ पे ओके गाइस, इसको हेडशॉट बैठ चुका है और वो मर चुका है। दूसरा जंगली सुअर किधर? ओके शायद सामने ही रहा। अरे यार ये होता, दूसरा जंगली सुअर किधर है? हाँ ये रहा, नीचे थोड़ा, इसको हेडशॉट मारना है, लेकिन हेडशॉट शायद नहीं मरेगा। ओके अरे भाई हेडशॉट नहीं मारा, फिर भी उधर हेडशॉट का एनिमेशन आया। खैर ये उतना कुछ खास नहीं भाई, ये एलिफेंट जैसे नहीं लग रहा है ये पेड़ तुमको? मेरे को तो भाई खतई एलिफेंट लग रहा है। खैर हम उसको छोड़ते हैं। और तीसरा सुअर किधर है यार? जूम कर, ओके ये रहा। ओ भाई मैंने गलती से, ये क्या हो गया भाई, मैंने गलती से फायर कर दिया और भाई करेक्ट निशाने पर लग गया भाई, मेरा निशान
निशाना क्या ही खतरनाक है, मरा नहीं है क्या? अरे भाई अभी भी जिंदा है, खैर हम इसको मारते हैं जल्दी से यार। मेरे को एमओ छुट्टी, मेरे को लगा मर चुका है और ये शायद अब ये मर जाएगा, बोर है मतलब जंगली सुअर अब मर जाएगा क्योंकि अब क्या ही खतरनाक। और यार इसको हेडशॉट लगा भी नहीं लेकिन फिर भी उधर हेडशॉट लिखा था यार, क्या ग्लिच है भाई, अलग ही नशे इस गेम वालों को। लेकिन खैर हमें तो खेलना है बस, और खेलने में क्या इस कतई मजा आ रहा है। और यार अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना यार, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में जरूर बताना कि मैं यहाँ तक वीडियो देख रहा हूँ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगला लेवल हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जिसका नाम है हमें यहाँ पे 5 हिप्पोपोटामस को मारना है, वो भी 420 सेकंड्स के अंदर। और यहाँ पे पहला हिप्पोपोटामस यही पे है, ये लोग ज़्यादातर पानी में रहते हैं या जमीन पे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे पहले को हमने किल भी कर दिया है देखते ही देखते। और दूसरा कहाँ पे है दूसरा हिप्पोपोटामस भाई, कितने ओके ये रहा, यहाँ पे दो दो हिप्पोपोटामस, पहले इसको मारते ओके, ये भी मर चुका है। और उसको बिना स्कोप में मारने की ट्राई करते हैं, नहीं मरा, मर गया। अरे भाई, अरे भाई ये भाग रहे, ये भाग रहे, ओके ये भी मर गया। अब एक आखिरी हिप्पोपोटामस बाकी जो कि यहाँ पे, अरे एक नहीं दो दो तीन तीन, इसको मैं बिना स्कोप पे हेडशॉट, अरे भाई हिल क्यों गया, इसके पास में जाके देखते क्या ये हमको मार पाते है कि नहीं। अरे भाई ये तो भाग रहे भाई, अगर रियल में रहते तो ये हमारे पास हमारे पास चढ़ जाते हमें मारने के लिए, लेकिन वीडियो में भाग रहे और हम इसको मारते बिना स्कोप के। ओ भाई एनिमेशन यार, फिर से शायद बुलेट लगी नहीं उसको, लग गई है। और यहाँ पे हो गया मिशन गाइस, कितना इजी मिशन था। खैर गाइस अगर आप ये वीडियो पसंद आए ना, वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार सकूं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे बस वीडियो ख़त्म हो गया, अब जाओ घर पे यार, वीडियो देखने का बस, दिन भर पढ़ाई करो, एग्जाम पास में आ रही है।